अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एस। रात को जनाब क्रेडिट एक्सपर्ट एंट्री का ड्रा आया है और ये ड्रा नंबर है 268। ऑल ओवर द वर्ल्ड 3725 एप्लीकेंट को आईटी आया जिनको इन्विटेशन लेटर आया है और ये ड्रा क्लोज हुआ है 500 सीआरएस स्कोर पे। कैनेडियन एक्सपेंट्री का ड्रा है, जैसा कि आपको पता है इससे पहले जो है वो 504 पे क्लोज हुआ था, तो अब ये 500 पे क्लोज हुआ है। सो डे बाई डे कम तो हो रहा है, लेकिन अब जब मेरे ख्याल से जब अब नेक्स्ट टाइम जब ड्रा आएगा तो इससे भी क्लोज होएगा। सो जो भी क्रेडिट इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, अगर उनके स्कोर कम है सो वो 50 to 200 स्कोर का LMI ये लें, ताकि उनकी अब जिसके 450 स्कोर है वो भी अब 50 स्कोर का LMI ये लेके कैनेडियन PR एक्सपेंट्री में ले सकता है। सो जिनके स्कोर इससे भी कम है, 400 and 350 है, वो भी PR ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो देखें आप जिसके 300 स्कोर थे अब वो 200 स्कोर का LMI ये लेता भी तो 504 पे स्कोर था, डेफिनेटली PR नहीं होनी थी, उनको वेट करना पड़ना था। तो एक टाइम नहीं, सेकंड टाइम जब ड्रा आना था तो उनकी PR हो जानी थी, लेकिन अभी ड्रा मजीद कम हुआ है, 500 पे है। सो जिन लोगों के भी 300 प्लस स्कोर हैं, एक स्कोर प्लस है, दो हैं, सो उनका मिनिमम 5 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है किसी सीनियर पोस्ट पे, मैनेजर पोस्ट पे, CEO पे, जिस सीनियर पोस्ट पे मिनिमम 5 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल है 200 के स्कोर के लिए। सो आज ही वो LMI 200 स्कोर का ले, उनकी प्रोफाइल में ऐड हो, तो डेफिनेटली आप इमिग्रेशन को मीट कर सकते हैं। पता है कि हमारे प्री अप्रूव भी LMI होते हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। जिसकी प्रोफाइल एलिजिबल हो तो वो भी वो वर्क LMI ले सकता है, जो LMI के उसकी प्रोफाइल में ऐड होंगे तो वो PR पे जा सकता है। सो ये ड्रा नंबर है 268 टाइम जनाब एक्सपेंट्री का ड्रा आ चुका है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कई एप्लीकेंट को, बहुत सारे एप्लीकेंट को जो है ना वो इमिग्रेशन भी मिल चुकी है। सो कोई ऐसा क्लाइंट या एप्लीकेंट आई थिंक नहीं होएगा जिसके स्कोर 500 पूरे हो जाए, जो पाकिस्तान से PR ले सके। सो हर बंदे को जो इमिग्रेशन चाहता है उसको LMI लेना ही पड़ता है, चाहे वो 50 स्कोर का ले या 200 स्कोर का ले। विदाउट LMI आप जो अभी स्कोर की सिचुएशन चल रही है आप PR तो बिल्कुल नहीं ले सकते विदाउट LMI। सो आपको अगर 50 स्कोर का LMI चाहिए तो उसके लिए आपके पाकिस्तान में एडमिन सुपरवाइज़र लेवल की आपकी मिनिमम 1 ईयर का किसी भी जॉब का मिनिमम 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 50 स्कोर के LMI लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप अब आप एक डिग्री अभी कंप्लीट हुई है या एक साल हो गया, दो साल हो गया और आप कहें कि मैं PR पे जाना चाहता हूँ, मुझे 200 स्कोर के LMI दे, नॉट पॉसिबल। जब तक उसके पास मिनिमम 5 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा पाकिस्तान में किसी सीनियर पोस्ट पे, तो वो 200 स्कोर के LMI नहीं ले सकता। तो जिसके भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस पूरा है वो जनाब इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको 200 स्कोर का LMI मिले, उस LMI स्कोर आपकी प्रोफाइल में ऐड हो तो आप PR पे कैनेडा जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने स्कोरिंग के रिलेटेड, अगर आपको स्कोर नहीं पता आपके कितने स्कोर हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर भी आप कॉन्टेक्ट करें, ताकि मेरी प्रोफेशनल इमिग्रेशन टीम आपको आपके CRS स्कोर, आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन LMI, बिजनेस इमिग्रेशन जिसमें C11 भी आ जाता है, स्टार्टअप, तमाम वीज़ा के हवाले से आपको गाइड कर सके और आपके स्कोरिंग भी आपको बता सके कितने आपके स्कोर हैं, मज़ीद आपको उतने स्कोर चाहिए। सो अगर आपके पास फिर एक्सपीरियंस बनता हो 50 स्कोर का 200 स्कोर का, आप LMI लें ताकि आपकी एक्सपेंट्री में PR हो सके। थैंक यू, जजाकअल्लाह।